अटैक से कोहराम मचा दिया है। नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि हिजबुल्ला ने इसराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को कैसे आखिर उड़ा दिया। उड़ा दिया इसराइल का मिसाइल हेडक्वार्टर। पिछले 72 घंटे में हिजबुल्ला के हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में हिजबुल्ला लड़ाके इजरायली सेना पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। इजरायली सेना भले ही दावा करे कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन हकीकत में जमीन पर अब बाजी पलटती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 11 महीने की जंग में हिजबुल्ला ने पीएम नेतन्याहू और उनके कमांडरों के वॉर प्लान को डिकोड करके उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है। हिजबुल्ला का सबसे ताजा हमला इसराइल के सफाद में हुआ, जहां IDF का एक गुप्त अड्डा मौजूद था। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने तिब्रियास झील के उत्तर पश्चिम में स्थित इजरायली सेना के मिसाइल हेडक्वार्टर को भयानक ड्रोन हमलों से तबाह और बर्बाद कर दिया है। IDF के गुप्त अड्डे पर धमाका, मार दिए इजरायली। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हिजबुल्ला हमले पर क्या दावा कर रहा है। दावों के मुताबिक हिजबुल्ला की ड्रोन यूनिट ने इसराइल के सफाद में मौजूद इसराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला है। हिजबुल्ला का दावा है कि इसराइल ने सफाद में एक गुप्त मिसाइल अड्डा बना रखा था, जिसमें हजारों की तादाद में मिसाइलें मौजूद थी। हिजबुल्ला ने सटीक और पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर अचानक भीषण ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें इसराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। इस हमले में कई इसराइली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। إلى داخل قاعدة فكنة جليلوت وقاعدة عين شيما وأن عدد القتلى في القاعدتين بلغ 22 قتيلا. इधर इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमले करने में जुटी है। पीएम नेतन्याहू भी हिजबुल्ला के हमलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन हिजबुल्ला ने यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के टॉप सूत्रों से पता लगाने का दावा किया है कि उसके हमले से इजरायली सेना को भारी नुकसान हो रहा है। अब आप ये देखिए कि हिजबुल्ला लड़ाके इजरायली मिसाइल डिपो को उड़ाने पर और क्या क्या दावे कर रहे हैं। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक 15 सितंबर यानी शनिवार को उसने इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने IDF के तोपखाने और मिसाइल इकाई के मुख्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 11 महीने की गजा और लेबनान जंग में पहली बार इसराइल के गुप्त अड्डे का पता इसराइल के दुश्मनों को लगा है। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ दक्षिणी लेबनान के अल अहमदी और कफर रूमाने सहित लेबनानी शहरों पर हमले के जवाब के तौर पर भीषण हमला किया है। हिजबुल्ला लड़ाकों ने उत्तरी कमान के मुख्यालय और 91 डिवीजन के लॉजिस्टिक बेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने ग्रेट प्रकार के दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमले इजरायली सैन्य ठिकानों पर किए हैं। हिजबुल्ला का हमला होते ही इसराइल के अविविम, एलिफ्लेंट, कोराजिम वेरेड, अनमोन, कब्जे वाले शहर सफात, अमूका, डाल्टन और ब्रिए में जोरदार सायरन बजने लगे थे। वहीं हिजबुल्ला लड़ाकों ने रौसियत अल आलम में इजरायली सैन्य अड्डे के पास एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तबाह करने का दावा किया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजरायली सेना और नेतन्याहू किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि इजरायली सेना गजा से लेकर लेबनान तक जंग जीत रही है, जबकि इसराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह करने से पहले हिजबुल्ला लड़ाके एक बड़े हमले में इसराइल के 22 सैनिकों को मारने का दावा कर चुके हैं। हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइली सेना पर ऐसा खूंखार और बेरहम हमला किया कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के होश फाख्ता हो गए। इसराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्ला तेल अवीव के पास इसराइली सेना के गिलॉट बेस को तबाह कर सकता है। हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्ला ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इसराइल के 22 सैनिकों को मार डाला है। हिजबुल्ला को कमजोर समझना शायद इजरायली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। इजरायली सेना बेशक गाजा के साथ साथ लेबनान पर घातक हमले कर रही हो, लेकिन खुद इजरायल के टॉप सैन्य अफसर चेतावनी दे रहे हैं
कि हिजबुल्ला को हमास समझना इजरायली सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है। हम आपको इसराइल के इजरायली रिजर्व मेजर जनरल यित्जाक ब्रिक के बयान और चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्ला के सफाए के चक्कर में कहीं इसराइल का ही सफाया ना हो जाए। रिजर्व मेजर जनरल यित्जाक ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लेबनान से सीधी और बड़ी जंग इसराइल ने की तो हिजबुल्ला इसराइल के तेल अवीव गुश डैन को तबाह कर सकती है। इजरायली जनरल ने यहां तक कहा कि अगर इसराइल ने लेबनान के साथ युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इजरायली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है। इजरायली चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली जनरल ब्रिक ने यहां तक कह दिया कि हिजबुल्ला पर हमले का झूठा प्रचार बंद करें, क्योंकि इजरायली सेना काफी छोटी है। इजरायली सेना के पास सिर्फ 6 डिवीजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है। ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुल्ला से सीधी जंग इजरायली सेना की 6 डिवीजन नहीं कर पाएगी और लेबनान युद्ध इजरायल के वजूद पर बहुत भारी पड़ सकता है। पिछले 100 घंटे में हिजबुल्ला ने इजरायल के गिलॉट बेस में हमला करके 22 इजरायली सैनिकों को मार डाला है और अब इजरायल के सफाद में पूरा मिसाइल हेडक्वार्टर उड़ाकर हिजबुल्ला ने इजरायली सेना की हालत खराब करके रख दी है। अब देखना होगा इसराइल हिजबुल्ला के हमलों का बदला कैसे लेता है। गाजा में इसराइल ने ताजा हमला किया है और इस हमले में 18 लोगों की जान चली गई। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में हमले के तेज करने के जो ऑर्डर पास किए हैं उसके पीछे की वजह समझना भी बहुत जरूरी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्स को नया ऑर्डर क्या दिया है और कैसे लंबी खींचती जंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसका नतीजा बस आने ही वाला है। गाजा में बिछ गई मौत की चादर, नेतन्याहू की फौज का ऑपरेशन सर्व विनाश एक्टिवेट। 18 लोगों की हो गई मौत, 40 से ज्यादा हो गए घायल। अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 80,000 से ज्यादा घायल। दुनिया ने ऐसी क्रूर जंग नहीं देखी होगी। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ताजा हमला किया है। यह हमला दक्षिणी गाजा में हुआ है। इजरायली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाकर जबरदस्त बमबारी की है। गाजा के जिस स्कूल में यह हमला हुआ है वहां ज्यादातर विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। इस हमले में बच्चे भी मारे गए हैं। जमीन का सीना चीर कर गाजा में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बता रही है कि यह जंग इंसानियत पर किस कदर भारी पड़ रही है। इसके अलावा खान यूनिस में इसराइल हमास युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने एक शिविर को निशाना बनाया गया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू जल्दी में है। गाजा को मिट्टी में मिला देने की जल्दी में नेतन्याहू की फौज ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू की जल्दी की कई वजहें हैं। पहली वजह, 11 महीनों की लंबी जंग से इसराइल की जनता उकता चुकी है। दूसरी वजह, नेतन्याहू को लेकर इसराइल की जनता इस पर विमर्श कर रही है कि वो बंधक संकट सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। तीसरी वजह, नेतन्याहू के खिलाफ उनकी कैबिनेट में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। चौथी वजह, नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पांचवी वजह, इंटरनेशनल बिरादरी से नेतन्याहू पर आम फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है वो भी जंग के मलबों में कुछ इस कदर दबे हुए हैं, जहां रहना तो छोड़िए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। गाजा का हाल यह है, वहां जीने के लिए जरूरी चीजें तो लगभग खत्म ही हो गई हैं, मरने के बाद दफनाने तक की जगह भी कम पड़ती दिख रही है। 23 लाख की आबादी हर पल मौत की आशंका में जीने को विवश है। 7 अक्टूबर 2023 से ही गाजा में तकरीबन हर रोज इजरायली ऑपरेशन हो रहा है। युद्ध विराम के लिए कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। फिलहाल ये जंग कब थमेगी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इसराइल में शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना मुख्यालय और दूसरे सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की और गाजा में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ शांति बनाने का दबाव डाला। कई लोगों ने समझौता करने में विफलता के लिए पीएम नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध के दौरान उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिलेगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर के एक पुल पर चक्का जाम कर दिया, यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों में अब वो लोग भी शामिल थे जिनके अपने हमास के चंगुल में बंधक हैं। इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों ने गुलाबी धुएं वाले पटाखे जलाकर और बंधकों की तस्वीरों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। ये भी कहा कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर 250 इसराइली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसराइल ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन बंधक छुड़ाने की कोशिश में अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और जिस हमास के अंतिम आतंकी के मारे जाने तक जंग जारी रखने का नेतन्याहू ऐलान कर रहे हैं, वो हमास का आखिरी आतंकी अब भी इसराइली डिफेंस फोर्स की बंदूक की गोली से बहुत दूर दिख रहा है। जाहिर है नेतन्याहू मुश्किल में है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसराइल से मुंह फेरा। यूएई ने कहा है कि अगर इसराइल अलग फिलिस्तीन देश नहीं बनाता तो वो जंग के बाद के उनके प्लान का समर्थन नहीं करेंगे। यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल रहान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने मई में जंग के बाद गाजा के लिए एक प्लान जारी किया था। नेतन्याहू का कहना है कि इसके जरिए गाजा का विकास होगा। प्लान जंग खत्म होने की तारीख से लेकर साल 2035 तक के लिए था। इसे 3 स्तरों में बांटा गया था। प्लान के मुताबिक गाजा में इसराइल कब्जे के बाद फिलिस्तीन की सरकार होगी। इसे यूएई, सऊदी अरब, मिश्र, बहरीन और जॉर्डन जैसे अरब देशों का एक गठबंधन मॉनिटर करेगा। इसराइली प्लान में गाजा के पोर्ट्स में निवेश से लेकर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई योजनाओं का जिक्र है। नेतन्याहू की तरफ से गाजा के भविष्य के लिए प्लान जारी करने के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसे नकार दिया था। योव गैलेंट ने इजरायली पीएम को चेतावनी दी थी कि वो फिलिस्तीनी जमीन पर कभी भी इजरायल का शासन नहीं होने देंगे। गैलेंट का बयान सुनिए। हमास के बाद गाजा का अस्तित्व तभी मुमकिन है जब यहाँ फिलिस्तीन के लोग ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सत्ता संभाले। अगर सरकार ने सही समय पर गाजा के लिए हमास का विकल्प नहीं ढूंढा तो इसराइल का मिलिट्री ऑपरेशन कमजोर पड़ जाएगा। हमास फिर से अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देगा। नेतन्याहू के समर्थन में खड़े अमेरिका में चुनाव का माहौल है और बाइडेन के पार्टी की विदाई के बाद ट्रंप सत्तासीन होते हैं तो युद्ध की सूरत पर भी असर पड़ना तय है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अमेरिका के कहे में ही काम करते हैं और संयुक्त अरब अमीरात अगर ये कह रहा है कि वो नेतन्याहू के प्लान से इत्तेफाक नहीं रखता है तो इसका मतलब है कि अपने समर्थक देशों के बीच भी नेतन्याहू घिर चुके हैं। सवाल फिर वही घूम फिर कर खड़ा होता है कि इसराइल हमास युद्ध आखिर कब तक। जहां तक इजरायली बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने की बात है तो इसी हफ्ते 6 बंधकों की हत्या करके हमास ने नेतन्याहू को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि वो चाहता क्या है और नेतन्याहू हैं कि उनके पास विकल्प नहीं बचे हैं। या तो सारे बंधकों को छुड़ाकर देश वापस लाना होगा या संपूर्ण गाजा को जमींदोज कर देना होगा, क्योंकि यहां से नेतन्याहू पीछे हटे तो घर में इजरायली उनके साथ चाहे जो व्यवहार करें अरब देश इजराइल के खींचे कदम को एक कमजोर देश की निशानी से ज्यादा कुछ नहीं मानेगा, जो भविष्य में इजराइल के लिए आज से भी बड़ा संकट पैदा करने वाला हो सकता है।